अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट शकील अहमद तनोली और आप देख रहे हैं हज़ारा प्रॉपर्टी चैनल। बैरियर टाउन फैजैट में आज एक और ज़बरदस्त प्लॉट के ऊपर आपको लेके जा रहा हूं। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि इस वक्त बैरियर टाउन में परचेजिंग का टाइम है। वो दोस्त जो बैरियर टाउन में घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, इस वक्त वो एक बहुत ज़बरदस्त कीमत में अपनी मर्ज़ी का प्लॉट ख़रीद सकते हैं, क्योंकि बैरियर टाउन में इस वक्त कीमतों में थोड़ा सा जमूद आया हुआ है। इसलिए जो है जो भी दोस्त प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये इस वक्त सुनहरी वक्त है कि वो अपना प्लॉट ख़रीद लें। इसी तरह एक अच्छे और ख़ूबसूरत प्लॉट पर मैं एक दिन पहले भी आपको ले कर आया था, आज दोबारा इस जगह पर ले कर आ रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, कंप्लीट पॉपुलेटेड एरिया है और 60 फुट के रोड्स हैं। वो आप स्क्रीन पे मैं डिटेल्स दी हुई, आप पढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ज़रूर भी प्लाट ख़रीदें, बैरियर हेड ऑफिस के करीब है। तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी अप्रोचेबल हैं यहाँ से। स्कूल यहाँ पे करीब है, मेन रोड करीब है, पार्क करीब हैं और सबसे जो प्लस बात है कि खूबसूरत जगह। तो ये ज़रूर भी आप इसको देखें और यहाँ पे प्लॉट बाय करें। इस वक्त यहाँ पे परचेजिंग का टाइम है, इस वक्त आप अच्छी कीमत में प्लॉट जो है बाय कर सकते हैं। ये प्लॉट जो है आपको सामने नज़र आ रहा है, 10 मरला का प्लॉट है। पोजीशन यूटिलिटी इसमें पैड है, आज ही ख़रीदें और कल इस पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी जगह है। आप सारे लोग दुनिया में जानते हैं कि बैरियर टाउन पाकिस्तान का कैसा ज़बरदस्त किस्म का टाउन है, बिल्कुल एक फॉरेन कंट्री की तरह है ये। तो आने से पहले आप हमें कॉल करें, ये परचेस प्लॉट ख़रीदने का सुनहरी टाइम है। उम्मीद है आप इस वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे। आप हमें कॉल करें, इस प्लॉट को विज़िट करें और आज ही बाय करें। तो बाकी मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों के लिए वीडियोस लाता हूं। हमारा चैनल वीडियो ज़ारा प्रॉपर्टी चैनल आप लोगों के लिए लेके आता है। तो आप ज़रूर भी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हम इंशाल्लाह हर रोज़ इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। मुझे कल तक नई वीडियो लाने के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।